स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। हम जब भी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें पेंट्स, ब्रशेस, कलर प्लेट्स, फ्रेम्स जैसी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। अपने लास्ट एपिसोड में हमने आपको बोनसाई के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में बताया था। अब आपका मन भी कर रहा होगा उन्हें क्रिएट करने का, तो आइए आज आपको बताते हैं कि बोनसाई बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बोनसाई एक जापानी कला है जो बहुत ही अद्भुत है। इसके दो पात्र हैं, बोन का मतलब एक छोटा सा कोई भी गमला, लेकिन गहरा ना हो, और साई का मतलब पौधा। तो दोनों का मिश्रण होके एक पौधे को हमने एक छोटे से कंटेनर में लगाया है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि ये कोई भी पौधा हो और कोई सा भी कंटेनर हो, नहीं। इसका एक नेचर के साथ ऐसा है कनेक्शन कि ये ऐसे लगे कि ये नेचर का ही एक हिस्सा हो। ये ऐसी कला है जो कहीं पे भी किया जा सकता है, बाहर है वैसे ये आउटडोर, बिल्कुल ही बाहर आपने करना है, लेकिन आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं, अपने बालकनीज में कर सकते हैं। छत पे तो बागवानी में इतना बढ़िया ये हो जाता है, क्योंकि वहाँ खुली हवा, खुला धूप, और इसे चाहिए वही, क्योंकि हम एक पेड़ को उगा रहे हैं, तो छत के ऊपर ये बहुत बढ़िया चलता है। ये एक लिविंग आर्ट फॉर्म है। जिस तरह से आपने कोई पेंटिंग बना दिया तो पेंटिंग एक वक्त पे जाके ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन ये इवॉल्व करता रहता है, ये बढ़ता रहता है। तो इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फैसेट्स भी निकलते जाते हैं, इसकी शेप भी बदलती जाती है। और जिस तरह कोई भी पेड़ जब प्रकृति में भी उग रहा है तो कभी वो कुछ शेप ले लेता है, कभी कोई शेप ले लेता है, तो उसी तरह से ये एक लिविंग फॉर्म है। तो हम इसके ऊपर हमेशा मेहनत करते ही रहते हैं। इसकी शुरुआत वैसे हुई थी चीन में, लेकिन जो जापानियों ने इस कला को तराशा है, उसके रूल्स बनाए हैं, और आम आदमी को जिस तरह से उन्होंने समझाया है, वो ये जापानी कला ही कहलाएगा। बोनसाई करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अच्छे से शार्प टूल्स चाहिए हमें, जैसे ये कटर। इस कटर से हम मोटी शाखें भी काट सकते हैं और पतली भी काट सकते हैं। जो आपके पत्तों को काटने के लिए हमें ये वाला कटर बहुत यूज़फुल रहता है। इसके अलावा हम मोटी शाखों को काटने के लिए फिर से एक ये कॉनकेव कटर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम तने के काफ़ी पास तक जा सकते हैं, और इससे बहुत नीट कट हो जाता है। इसी का एक छोटा वर्जन ये भी है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। ये तार काटने के लिए वायर कटर है। वायर कटर हमारे ये सब तारों को काट के हम इसको यूज़ करते हैं शेपिंग में। और ये है स्प्लिटर। स्प्लिटर कभी कभी क्या होता है कि इसके कोई भी ब्रांच को हम कभी कभी बीच में से उसको स्प्लिट करते हैं, ताकि बेंड करने में आसानी रहे। यदि ये सब ना भी मिले तो कम से कम ये कटर और एक छोटा वाला कॉनकेव कटर और एक तार कटर, इन तीनों से भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा हमें चाहिए नेट। ये प्लास्टिक नेट हो तो बेटर है। मेटालिक में क्या होता है, या तो स्टेनलेस स्टील हो, लोहे के जाली में आपके जंग लग जाता है, जंग के साथ आपको और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं पौधे में। इसके अलावा हमें चाहिए तार। तार चाहिए शेपिंग करने के लिए। सो सबसे मोटा केज है ये 6, इसको इसका नंबर है 6। इसके बाद हमारे पास आता है 8, फिर 10, फिर 12। सो 12 सबसे पतला है, और इससे हम लोग बारीक वाली जो हमारी शाखें उनको ट्रेन करते हैं, और मोटे वाले से हम मेन बड़ा मोटा तना हो
तो उसको शेप करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लोगों में ये बहुत गलत फहमी है कि हम किसी तरह पता नहीं इस पौधे को हम बहुत दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, क्योंकि हम इसकी जड़ें काट रहे हैं और इसके शाखों को भी काट रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी देखिए, यदि ये पौधा दुख पाता हो या दुखी हो तो ये कभी भी फूल नहीं देगा, ना पत्ते होंगे ना इसमें, ना ये पनपेगा। तो ये एक गलत फहमी है लोगों के दिमाग में। जिस तरह हम अपने हेज को काटते हैं, जिस तरह हम अपने बालों को काटते हैं, जिस तरह हम अपने नाखून को काटते हैं, उसी प्रकार से इस पौधे को भी हम लोग काट के इसको एक कलात्मक तरह से दर्शाना चाहते हैं। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। छत पर बागवानी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बॉन्साई में गमले का जो महत्व होता है वो उस प्रकार है जैसे पेंटिंग में एक फ्रेम, जितना फ्रेम ज़्यादा चमकदार हो या उसमें ज़्यादा नक्काशी किया हुआ हो तो वो पेंटिंग से कुछ ले जाता है, अटेंशन ले जाता है। तो उसी प्रकार से गमला जो है किसी भी बॉन्साई का बहुत ज़्यादा चमकदार या उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ ना चाहिए। प्लेन सिंपल वाले जो आपके गमले हैं वो ज़्यादातर आपके पौधे की रौनक और बढ़ाते हैं। अब जो गमले हैं हमारे पास, 3 प्रकार के गमले मिट्टी के बन सकते हैं। जैसे ये गमला है, ये मिट्टी का बना हुआ है, या फिर सीमेंट का हो सकता है, सीमेंट और चीनी का ये बर्तन। ये 3 प्रकार के हैं फिलहाल। वैसे कई दफ़े हम लोग सिर्फ पत्थर के ऊपर भी बना देते हैं या लकड़ी के बॉक्स के ऊपर भी बना लेते हैं, तो ये सब स्पेशलाइज्ड होते हैं। बट नॉर्मली बिगिनर्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप मिट्टी के ही बर्तन में बनाएं। उसके फ़ायदे ये हैं कि मिट्टी का बर्तन गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और ठंडी के दिनों में गर्म रहता है, सांस भी लेता है। इसमें जब पानी भी डल जाता है तो पानी इसके पोर्स में से निकल भी जाता है, इवेपरेशन होती है, और इवेपरेशन और भाप के निकल जाने से मिट्टी आपकी ठंडी रहती है। वही प्रकार उसी प्रकार से जो सीमेंट है वो गर्मियों में तप जाता है। तो हम ज़्यादातर रेकमेंड नहीं करते कि आप सीमेंट के गमलों में बनाएं। चीनी का बर्तन बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए हम जब तक हमारा बॉन्साई बिल्कुल परफेक्ट ना बन जाए तब तक हम चाहते हैं कि मिट्टी के ही बर्तन में आप बनाएं। अब आप देखेंगे मिट्टी के बर्तन के क्या फ़ायदे हैं। अक्सर सब बॉन्साई के जो गमले होते हैं इन सब में एक स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं
कि ये चीनी के बर्तन में लेग्स हैं। ये लेग्स इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी ये सतह बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ना रहे। अगर मिट्टी के से ये टच करता रहेगा तो इसकी जड़ें जो है, पौधे की जड़ें एकदम मिट्टी में चली जाएंगी और जड़ वहीं पकड़ लेंगी। हम ये नहीं चाहते। इसमें भी आप देखेंगे लेग्स हैं, तो ये लेग्स होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, होल्स होना बहुत ज़रूरी है। हर एक गमले में नीचे छेक होना चाहिए। अब इस गमले में आप देखते हैं, जो मिट्टी के बने हुए गमले होते हैं उनमें अक्सर जो कुम्हार है छोटा सा उसमें एक छेक बना देता है, लेकिन हमें उसको लेकर अपने ही खुरपी से या कोई भी औजार से इसको इतना बड़ा बनाना है ताकि हमारे पानी के निकास में कोई रुकावट ना हो। कई गमलों में एक ही छेक होगा तो वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कई गमलों में आप देखोगे दो छेक होंगे, इसमें दो से ज़्यादा हैं, छह छेक हैं, इससे पानी कभी भी नहीं रुकेगा। ये गमला आप देख सकते हैं छोटा है, नैरो है, इसलिए इसमें ज़्यादा छेक दिए गए हैं। चीनी के बर्तन में आपको ख़ास ये ध्यान देना है कि इसमें भी अच्छे छेक बने हुए हों। दूसरी बात, चीनी के बर्तन में अक्सर जब पॉटर बनाता है, कुम्हार बनाता है, तो ये जो किनारी है इनको नीचे कर देता है और ये बेस जो है ये उभरा हुआ होता है। इससे खतरा ये है कि पानी इन किनारियों में फंसा रहेगा और छेक में से जाएगा नहीं, बल्कि यहाँ पर हमेशा पानी मरता रहेगा। इससे क्या होगा कि फंगस बैठेगा, इसमें सड़ाव पैदा होगा और आपके पौधा बीमार हो जाएगा। तो इन थोड़े से चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बॉन्ज़ाई बनाने के समय हमें ये भी ध्यान देना होगा कि पॉट की शेप क्या है। ये आप देखेंगे बॉन्ज़ाई में कई प्रकार के शेप्स हो सकते हैं कंटेनर के, जैसे गोल आपका शेप हो तो इसके अंदर आप वही सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इसमें लेग्स हों, होल्स हों, वो सब तो आपने देख लिया, अंदर से ग्लेज्ड भी ना हो। इस वाले पॉट में आप देखेंगे कि बेस्ट सेमी इनफॉर्मल या फॉर्मल अपराइट, ये स्टाइल्स बहुत सुंदर लगती हैं। और इसमें पोजीशन का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इस वाले कंटेनर में सेंटर में कभी भी नहीं कोई पौधा लगता है। जो आपकी ट्रंक लाइन की चौड़ाई है वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो, हल्का सा ऑफ सेंटर। एकदम ऑफ सेंटर भी रखा जाएगा तो आपकी ब्रांचेस गमले से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन हल्के से सेंटर से बाहर होना चाहिए और सेंटर से थोड़ा हल्का सा पीछे होना चाहिए ताकि उसमें पर्सपेक्टिव आए, एक डेप्थ आएगा, सामने आपको ज़मीन ज़्यादा दिखाई देगी और ये बढ़िया सा आपका पेड़ इसके ऑफ सेंटर पे खड़ा हुआ है। क्योंकि बॉन्ज़ाई में आप देखोगे कोई भी पौधा एकदम सिमेट्रिकल नहीं होता है, ये आर्ट ऐसा है कि इसमें सिमेट्री नहीं चलती। सो प्लेसमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉट के अंदर। अब ये चौकोर है, स्क्वायर शेप में आपका ये कंटेनर है, स्क्वायर शेप में आपके वैसे दरख्त रखे जाएंगे जो बहुत ही मैस्कुलिन फॉर्म हो, जिनमें जो बहुत तगड़े हों। बहुत अब बॉन्ज़ाई में भी कहा जाता है कि फेमिनिन ट्रीज़ भी होती हैं और मैस्कुलिन ट्रीज़ भी होती हैं। जो मैस्कुलिन ट्रीज़ है वो ज़्यादातर आपके टिम्बर ट्रीज़ हैं, जिनमें खूब भारी नीचे उसका बेस होता है और ऊपर चल के भी वो खूब बढ़िया से उसमें खूब सारे पत्ते होते हैं। फेमिनिन ट्रीज़ उनको कहते हैं जिनकी फोलियज बहुत ही बारीक और बहुत डेलिकेट हो। तो ये चौकोर वाला जो गमला है इसमें भी आप देखेंगे कि दो से चार होल्स हैं इसमें, और इसके अंदर जो प्लांटेशन आपकी होगी वो फिर से उन्हीं बातों का ध्यान रख के स्लाइटली ऑफ सेंटर होना चाहिए और थोड़ा सा सेंटर से पीछे। तो स्क्वायर वाला पॉट और ग्राउंड वाले पॉट में पोजीशन एक जैसे ही है, और दोनों में आप फॉर्मल अपराइट, इनफॉर्मल अपराइट दोनों लगा सकते हैं।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 से 7 तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ये रेक्टेंगुलर पॉट है, इसमें और ओवल में प्लांटेशन जो होता है वो थोड़ा सा फर्क है। इसमें ज़्यादातर हम वो पौधे लगाते हैं जो स्लांटिंग स्टाइल में हैं और विंड स्वेप्ट या बहुत ही नीचे झुके हुए बुंजन स्टाइल। तो फॉरेस्ट प्लांटेशन भी हो सकता है इसमें, और ग्रुप प्लांटिंग या कोई लैंडस्केप बनाना है तो इनमें बहुत सुंदर लगता है वो। लेकिन इसकी पोजीशन हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। देखिए, जैसे आप आगे से इसका एक तिहाई, ये पीछे से एक तिहाई ले लीजिए और दो तिहाई आपने आगे का छोड़ दिया, फिर वैसे ही इस लेंथ को हम एक तिहाई लेकर और दो तिहाई ये छोड़ दिया। अब इधर जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ से आपका मेन ट्री का प्लांटेशन होगा। अगर आप इन स्लांटिंग स्टाइल बना रहे हैं तो आपकी ट्रंक लाइन यहीं से शुरू होके फिर इधर की तरफ को जाएगी जहाँ जगह खाली है बनिस्बत यहाँ के, क्योंकि यहाँ से अगर आप झुकाव देंगे तो आप गमले के बाहर चले गए। सो यहाँ से लेके आपका झुकाव इधर की तरफ होना चाहिए प्लांट का। यदि आप ग्रुप प्लांटिंग बनाते हैं तो ग्रुप प्लांटिंग में मेन ट्री आपका यहाँ खड़ा होगा और बाकी आपके पौधे इस एरिया में यहाँ तक आ जाएंगे। यही चीज़ ओवल में भी होता है। और यदि आप कोई अनइवन शेप के भी गमले अगर आप लें तो उनमें भी इस बात का ध्यान रख के ही चलना है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना ऊंचा पॉट हमने कैसे ले लिया बॉन्साई के लिए, लेकिन इसमें जो कैस्केड स्टाइल और सेमी कैस्केड के स्टाइल्स हैं वो सबसे सुंदर लगते हैं। देखिए, जो कैस्केड का स्टाइल उन पौधों के लिए है जैसे हम पहाड़ों पे घूम रहे होते हैं, तो जब हम पहाड़ की तरफ देखते हैं तो ऊपर से एक पौधा लटकता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो साइड आप देख रहे हैं ये साइड आपका माउंटेन साइड है, तो उसके ऊपर से आपका पौधा कैस्केड करके नीचे आ रहा है, इसलिए हमें इसकी ऊंचाई दिखाना बहुत ज़रूरी है। सेमी कैस्केड भी लटकता हुआ ही दिखता है, और सेमी कैस्केड में आपके ये बेस से ऊपर ही आपका वो रहेगा। सो दैट्स व्हाई ये हम लोग ऊंचा वाला कैस्केड पॉट लेते हैं उसके लिए। अगेन, उसमें भी चेक होना बहुत ज़रूरी है, दो चेक, क्योंकि इसमें आप देखेंगे पानी रुकने का बहुत अंदेशा हो रहता है, इसलिए इसमें खूब सारी ठीकरियाँ यहाँ तक भरिए और फिर इसमें मिट्टी डालिए और तब आप अपना कैस्केड वाले पौधे लगा सकते हैं।
तो ये कैस्केड और सेमी कैस्केड के पॉट हैं। ये जो अनइवन सरफेस वाले गमले हैं, ये आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि पॉट का फ्लो किस तरफ को बह रहा है। अगर आप नोट करेंगे तो ये साइड आपका बैक है, क्योंकि ये बहुत आपको आगे आ रहा है, मेन गमला आपका इधर की तरफ को जा रहा है। सो इसलिए इसमें फ्रंट और बैक ज़रा सा देख के कि फ्लो किधर की तरफ बह रहा है, हमें उसी हिसाब से इसको प्लांट करना है। अभी ये फ्रंट है इस पॉट का, तो वही सब कुछ देखकर हमें फिर से वही करना है कि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पीछे को करके और इतना सा जगह करके प्लांटेशन मेन आपका यहीं से स्टार्ट होके फिर इधर पॉकेट्स में चला जाए, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड इट्स अ एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिमेट्री किसी में भी नहीं होना चाहिए। बोनसाई प्लांट्स के पॉट्स दूसरे प्लांट्स के पॉट्स की तरह थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक उसी तरह इनमें यूज होने वाली सॉइल भी दूसरे प्लांट्स की सॉइल से काफ़ी अलग होती है। किस तरह की सॉइल आपको बोनसाई में यूज़ करनी चाहिए कि उसकी ग्रोथ एक लिमिट तक मैनेज हो सके, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा छत पर बागवानी का अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।